मिशन आपकी जानिब से ये इस प्रोग्राम का इंतजाम किया। अल्लाह ताला इन लोगों को बरकतें और रहमतें इनायत फरमाए और जब इन लोगों को भी इस मरतबे पर फायज फरमाए। मैं हैरान बाद में करके बता देता हूँ। ईरान में सिर्फ दो चादर बांधनी है, मर्दों को कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। औरतों के लिए आजादी है, उनका ईहराम सिर्फ इतना है कि उनका चेहरा खुला रहना चाहिए, बाकी वो जैसा कपड़ा पहनती है जिस अंदाज से पहनती है वो अपने कपड़े में रह सकती, बस ये कि बाल खुलना नहीं चाहिए उनका ईहराम, बाल खुलना नहीं चाहिए और उनका चेहरा खुला रहना चाहिए, और अगर चाहें कि लोगों की नजरों से अपने चेहरे को बचाना तो उनके लिए भी एक कोई दफ्ती नुमा इस अंदाज का कपड़ा अपने सर से कैप वगैरह, हाँ कैप होता है कैप वगैरह की तरह कोई इस तरह लगा दे कि चेहरा ढकने न पाए, उनकी नजर खुली रहे और दूसरे लोग उनके चेहरे पर सही तरीके से नजर भी न डाल सके, और इस तरीके से कोई भी हिजाब तो नहीं कर सकते, बस कैद की सूरत में वो कोई चीज लगा सकते हैं। और लेकिन मर्दों को पाबंदियां बहुत सी हैं, वो सिला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते, सर उनका ढक नहीं सकता है, औरतों को सर ढके रहना इस अंदाज से कि बाल खुलने न पाए, तो सिर्फ दो चादर में मर्दों को रहना है। आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, हमेशा बिस्मिल्लाह हर काम में मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पहनेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़िए। ये देखिए एक चादर तो ये है, मेरी जानिब आप देख रहे हैं, हम लाइट बढ़ा लेते हैं, आ गया मेरा लाइट, ये दाहिना है ये बायां है, दाहिना ऊपर बैठा है, हम लोग उस टेक्निक से काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता है ना, देखना नहीं लेकिन बोलना भी नहीं, कि आप बोलने वाला ऐसे कर देंगे फिर आप इस तरह बोल लीजिए, थोड़ा सा मोड़ लिए, मोड़ करके इधर ताकने जाने ऊपर ऊपर थोड़ा कर दीजिएगा इसे, ताकि नीचे जो है दिखेगा नहीं, इस तरह करने के बाद फिर ये दाहिना ऊपर आ जाएगा, इसको इस तरह अंदर पर जो थोड़ा सा मोड़ ले, इस तरह मोड़ कर दो, इधर मोड़ देना होगा, मोड़ लेंगे ताकि आप चलेंगे तो आपको चलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, और अगर पूरा पीछे ले आएंगे तो नीचे का कदम आगे बढ़ाने से फंसेगा आपको दुश्वारी, उसके बाद ये चादर है, इस चादर को बाएं जाने कंधे के ऊपर और दाहिने जाने ऊपर चादर पाए जाने क्यों डाल देंगे, ये तो है, लेकिन जब आप पहले शुरू में डालेंगे दो रकात नमाज एहराम की नियत से आपको पढ़नी है तो फिर सर के ऊपर इसको रखेंगे, सर ढका देगा, इस तरह आप करेंगे। अब आप एहराम के लिए नियत के लिए दो रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, और उन दोनों रकात में कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, लेकिन कुलिया काफून सूरह फातिहा के बाद कुलिया काफून पहली रकात में और कुल्लाहुल्ला दूसरी रकात में पढ़ना बेहतर और बेहतर है, ये बात है। अब नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं दो रकात नमाज नफल की बात के अल्लाह ताला के मुंह में रखकर विशेष के अल्लाह होकर जैसे और नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते ही सलाम, नमाज पूरी करके सलाम करेंगे, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, इतना कहते ही सर से आप चादर को हटाने के बाद, ये है हजरत असमत, हजरत असमत का जो कोना है जहाँ हजरत असमत लगा हुआ है, और हजरत असमत से थोड़ा सा हट कर यहाँ खाने काबा शरीफ का दरवाजा है, ये दरवाजा है। अब आप अहबाब सलाम जो है खाने काबा शरीफ
ये सीधे में यानी दरवाजे की तरफ से होता है, सामने आप सलाम। अब अगर वहां पता चल जाए तो उस तरफ से आइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर ना भी पता चले तो सामने के दरवाजे से कीजिए। बहुत लंबा इलाका है ये जो है, किलोमीटर के एतबार से अगर आपको उधर की तरफ घूम कर आना पड़ा तो किलोमीटर के एतबार से हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका रहने का ठिकाना जो है पीछे की जानी हो, दाहिने जानी हो, बाएं जानी हो, इधर पड़ता है ये तो पता नहीं चलता है। और पहली बार जो जाता है पहले तो उसको पता भी नहीं चलता कि हम किधर हैं, तो बाद में आप दो चार लोग जब रहेंगे तो मालूम होगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि खाने काबा के दरवाजे की जानी बाप सलाम इस तरफ से आप दाखिल हो। अब हजरत अस्वद के करीब आ जाए, ये हजरत अस्वद मैंने ये भी देखा तीन चार लोग गुजर गए थे लेकिन आदमी को ये भी नहीं पता चलता था कि हजरत अस्वद है, ये भी मैंने देखा है। तो हजरत अस्वद बहरहाल ये इधर है जो देख रहे हैं इसी अंदाज से आप फौरन पता लगाइएगा न मालूम हो। हजरत अस्वद के पास आइए, इसके सामने ये रूम है, हजरत अस्वद ये कोना है, होने के एतबार से आप भी खड़े होंगे। अब उसके बाद यहाँ आकर के आप नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं तवाफ की, नियत करता हूँ मैं तवाफ के, खाने काबा के तवाफ की कह लीजिए, या ऐसे भी क्योंकि दिल का इरादा होता है तवाफ से काबा ही कर रहे हैं तो जो आप सामने में खड़े हो जाइए, ये नियत करता हूँ मैं तवाफ से काबा की, अल्लाह इसमें मेरे इनके पर कटेंगे मेरी जानी से इसमें को पूछना मालूम और इसे मेरे लिए आसान करवा दे। ये हर जगह हर रुकन की अदायगी में जरूर कह दीजिएगा, और जब आप कह देंगे इसे मेरे लिए आसान फरमा दे तो अल्लाह ताला इस तरह आसान फरमा देगा कि अदायगी आप उस रुकन की करोगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कैसे अदा करेंगे। और अपने हबीब पाक के सदके में जितने भी लोग साबिका ज़ियारत हरमैन से सरफराज होने वाले और ज़ायरीन हरमैन शरीफ़ैन जो अभी जाने वाले हैं, हम जितने लोग यहाँ हाजिर हैं हम सबों की हाजिरी और शमूलियत बारगाह मौला में ये तोहफा इजार मोहम्मद इजार हाजी इजार अहमद साहब अपने हाथों से डॉक्टर इजार आसफी साहब जो अपने हाथों से इमाम साहब को पेश किए सैयद साहब को मेमेंटो पेश कर रहे हैं तोहफा पेश करें सुभान अल्लाह दर। अब बेचैनी भी वो खत्म करते हैं और वो रास्ता और हम लोग खुद देखते हैं कि रात दिन वो हाजियों के पीछे लगे रहते हैं, उनका बहुत ही ताउन है, मेहनत है, तो समाज में भी है और साथ ही साथ हज का जब वक्त आता है तो वो हाजियों को भी गाइडलाइन करते हुए नजर आता है आते हैं। तो खाकसारे हिंद मिशन की तरफ से उनको भी एक मेमोटो पेश किया जाता है, उनकी खिदमत को देखते हुए मैं चाहता हूँ जुबैर साहब स्टेज में आए और हमारे खाकसारा हिंद मिशन के फाउंडर चेयरमैन जनाब शेख सुलमान रिजवी साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने हाथों से जुबैर भाई को दुआओं के साथ में ये मेमोटो दे और हौसला अफजाई के लिए ये मेमोटो दिया जा रहा है उनकी खिदमत को देखते हुए, और इसका असर अल्लाह देंगे अल्लाह देगा क्योंकि खिदमत खिदमत खल का असर अल्लाह देता है, पर हमारा कोशिश रहता है। अस्सलाम वालेकुम, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम
हज कमेटी, रियासती हज कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट ट्रेनर भी हैं, और हम लोग जहाँ तक का कोशिश करते हैं, हमारे से और भी बहुत सारे हैं इसमें, तो जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हाजियों को कम से कम तकलीफ, और हुकूमत भी इस बारे में लगी रहती है, हर तरह से अपना कोशिश कर रही है। और अभी हम लोग जितना ट्रेनिंग किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन पहले हम लोग पूरा बंगाल का एक सफ़र हुआ हम लोगों का, जिसमें हर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग था, इस्लामपुर में था, कूचबिहार में, आसनसोल वगैरह करते हुए सब आए हैं, और उसके बाद भी कुछ कुछ कहीं पर पॉइंट रह जाता है, तो हाजियों को लेकर इलाकाई तौर पर एनजीओ के तौर पर सब छोटा छोटा प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हाजी का परेशानी, क्योंकि देखिए 40 दिन 42 दिन वहाँ रहना है, 36 दिन से 42 दिन का लगभग सफ़र आता है, मने रहता है ये वहाँ का क़याम, तो उस दिन में इस सब को निचोड़ करके 4 घंटा 6 घंटा में करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक प्रोग्राम हाजी भी नहीं अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि एक होने से बहुत सारा, कोई कुछ किए कोई कुछ नहीं किए, तो उस हिसाब से बहुत सारा वो लोग भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और जगह जगह पे उनको नया नया कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, तो जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन का भी, सवाल का जवाब भी दिया जाता है उनका, हर तरह से कैसे उनका इतना मुबारक सफ़र कैसे आसान हो सके, कैसे वो आसानी से हज कर सके, क्योंकि हज का 5 दिन बहुत सबसे ज़्यादा जो होता है, हज का 5 दिन में तकलीफ़ होता है, और इसमें सबसे अहम चीज़ है हाजी को सब्र करके रखना। अरकान में दुआ याद नहीं है या तलबिया याद नहीं है तो उसके ऊपर भी हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको हम लोग प्रेशर देते हैं सब्र करने पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं, खाकसारे हिंद ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हाजियों को जोड़ना, उनके जो सामान में से कुछ सामान को अपने हिस्से में लेना कि हम देंगे, तो हाजियों के ऑलरेडी इस बार का लगभग 4,32,000 या 36,000 के आसपास है खर्च, तो इसके अलावा तो एक हाजी के ऊपर प्रेशर है। उसके अलावा जब इन लोगों ने कहा कि हम कुछ तोहफा देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा हाजी के लिए हमारे कैसे जोड़ा जाए, मदद करें, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, और मैं चाहता हूं कि जितने सारे एनजीओ हैं, कम से कम सामाजिक सियासी जो भी कर रहे हैं, साथ में एक हज का भी काम करें, क्योंकि बेदारी बहुत कम है, हमारा कोटा जितना उससे हम लोग काफ़ी हर साल कम जाते हैं, और खाकसारे हिंद ने इसमें पहल की है, और मैं इनसे गुजारिश भी करूँगा कि हर साल करें, अभी भी करें, और फॉर्म फिलअप करने के टाइम भी करें। मैं सबसे पहले खाकसारे हिंद मिशन के तमाम अराकीन और मेंबरान को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत से मुनफरिद प्रोग्राम है। हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी तंजीमें, तहरीकें हैं, उन सब को आगे बढ़कर ऐसे प्रोग्रामात इनेकाद करनी चाहिए, क्योंकि ये साल में एक मर्तबा ये मौका आता है जिससे आज़मीन हज जो हज के लिए जाते हैं यहाँ से सफ़र हज पर, उनकी तरबियत का मामला होता है, वहाँ जाकर कैसे अरकान हज की अदायगी करनी है, कहाँ क़याम करना है, कहाँ कौन सा रुकन अदा करना है, इसके लिए ऐसे प्रोग्रामात होनी चाहिए, इससे आज़मीन हज के लिए आसानियाँ होती हैं। इसीलिए खाकसारे हिंद मिशन ने इस ज़रूरी काम को ज़रूरी समझा और आज के इस जलसे अलविदाया के तौर पर उलमाए किराम के ज़रिए, उलमाए किराम के हवाले से आज़मीन हज के लिए एक तरबियती प्रोग्राम कराया। तमाम हुज्जाज किराम जो हज सफ़र हज पर जाने वाले हैं, उन सबों को अरकान हज की अदायगी और उसकी सुन्नतें, वाजिबात, फ़राइज़ उलमाए किराम के ज़रिए से बताई गई। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमा ले और खाकसारे हिंद मिशन के इस खिदमत खैर को और इस अमल खैर को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम। हिंद ये एक मिशन जिसका नज़रिया इनके दादा खाकसार फ़खरुद्दीन खान साहब, जिन्होंने बेलचा ले करके खाकी वर्दी पहन के सारी ज़िंदगी को आप वफ कर दिए थे कौम के नाम, और कौम के नाम का मतलब किसी धर्म का या किसी मज़हब का इख्तलाफ नहीं, सब माने सब मिलजुल के हर कौम के लोग अपने अपने धर्म को पाबंदी के साथ करें, ये मैसेज देते थे और एकजहती का पैगाम देते थे और खाकसार तहरीक को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। चंद लोग हम लोग उनके साथ हो गए, पैरेड करते थे और जगह जगह पैरेड वगैरह किए, लेकिन लोगों को दिलचस्पी बहुत कम हो गया, नौजवानों को वर्दी नहीं पहनते थे, खाकी वर्दी, बेलचा लेना, फिर भी आप बहुत जद्दोजहद किए और करने के बाद आपका जब पर्दा हो गया, इंतकाल हो गया, तो इसके बाद खाकसार तहरीक दम तोड़ चुका था। उसके बाद जो है खाकसारा ने हक का एक ऐलान हुआ और
हमारे ही टेंस किए हुए कुछ लोग आज खाकसारा ने हक में हैं। और हम लोग, हमने कहा नासिर साहब से, जो मेन बात है कि आज जो मिशन हमारा चल रहा है ये उनको उनके नज़रिए से, खाकसार फखरुद्दीन खान साहब जो काम अधूरा छोड़ गए थे, वही मैंने नासिर खान के अंदर वो झलक पाया कि ये निभा सकेगा। तो उन्होंने, खाकसारा ने हिंद मिशन के नाम से इस तंजीम को किया, और करने के बाद से एक दिन भी नहीं बैठे कहीं कहीं कैंप करना। हेल्थ को अपनाए इस वक्त, एजुकेशन को अपनाए हैं, अभी एजुकेशन हल्का सा है लेकिन मेडिसिन देना, डॉक्टरों का चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल देना, जगह जगह कैंप करना, यानी ये अपना काम अंजाम देने में बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इनके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं, नासिर खान साहब को, जिन्हें आप सब दुलार से लल्ला भी कहते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि इन्हीं के वालिद और खान फखरुद्दीन खान साहब, खाकसार फखरुद्दीन खान साहब के साहबजादे कयूम खान साहब और उनके अहलिया के साथ हज में भी जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और आज ये मुकम्मल हुआ आज का ये प्रोग्राम, इसके लिए हम मुबारकबाद दे रहे हैं तमाम को, तमाम हाजियों को भी, और जितने लोग यहाँ आए थे उनका भी, और ख़ास करके इसमें जिनका हाथ मजबूती के साथ आज का प्रोग्राम को जो जिन्होंने बहुत ही मदद किया, वो हमारे जुबैर भाई साहब, जो हम बचपन से जानते हैं, हैं, और उनका हमेशा ही कुछ ना कुछ करने का इरादा था, सोशल अपनी ज़िंदगी को हमेशा लगाए रखते थे। और आज माशाल्लाह उस मुकाम पे आप हैं कि आज फ़ख्र किया जाएगा उनके नाम से, हमें आज हम उनका नाम लेंगे तो फ़ख्र के साथ लेंगे, जुनेद मेरे साथी हैं और पुराने दोस्त हैं, ये हमारा फ़ख्र की बात है सुलेमान रिज़वी के लिए। हैं, चलिए।